दोस्तों, अगर आप भी धोनी के फैन हैं, ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल होते देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर IPL के सबसे खतरनाक 32वें मुकाबले के लिए गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी दिल्ली कैपिटल्स की क्रिकेट टीम। दुनिया का सबसे बड़ा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान में कुछ ऐसा हो जाएगा इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये मैच एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह सुनहरे अक्षरों में लिखवा कर चुका है। लेकिन सबसे पहले टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से ही शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में गिल ने खलील अहमद को बाउंड्री के दर्शन कराकर चौके से अपना खाता खोल लिया और ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। दूसरे ओवर में ईशांत शर्मा का स्वागत भी गिल ने मैदान को चीरते हुए चौके से किया। उनका बल्ला अभी से धाड़ना शुरू कर चुका था, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। ईशांत शर्मा ने अपने अनुभव का बखूबी फायदा उठाते हुए ईट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की पांचवी गेंद पर गिल को पवेलियन भेजकर उन्होंने गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां शुभमन गिल 6 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट आए और दो ओवर में गुजरात 12 रन बना पाई थी, एक विकेट उन्होंने गवाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था। इस बल्लेबाज में प्रतिभा तो बहुत थी और आते ही उन्होंने इसका नजारा भी दिखाया। तीसरे ही ओवर में खलील अहमद की जमकर पिटाई करते हुए एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाए, तीन ओवर में ही अपनी टीम को 23 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के सामने गुजरात का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम इस कदर घुटने टेक जाएगा इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। चौथे ही ओवर में रिद्धिमान साहा भी हार मान बैठे और मुकेश कुमार की घातक गेंद के आगे उनकी एक न चली। मुकेश ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर गुजरात के दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया, जहां रिद्धिमान साहा 10 गेंद खेलकर केवल 2 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, यह तो तूफान के पहले की शांति थी, असली तबाही तो अभी भी आने वाली थी। अभी से जहां गुजरात खेमे में मातम छाया हुआ था तो अभी उनकी आंखों में आंसू आने बाकी थे। इसके बाद तो मानो क्रिकेट की झड़ी ही लग गई विकेटों की। पांचवा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा ने केवल 2 गेंद में गुजरात की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने इस बार साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया और गुजरात को तीसरा झटका दे दिया, जहां साई सुदर्शन 9 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर वापस लौटे। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशांत ने किलर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर को भी चलता कर हाहाकार मचा दिया। पांच ओवर में गुजरात केवल 30 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाजों को गवा चुकी थी और दिल्ली ने पूरे तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। गुजरात के मैदान पर अभी से दिल्ली दिल्ली के नारे सुनाई दे रहे थे और 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात केवल 30 रन बना पाई थी। उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालत तो ऐसी थी कि अब मैदान में बाहुल तेवतिया के साथ अभिनव मनोहर को उतरना पड़ा। राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की और अपनी टीम को संभालना चाहा। 8 ओवर में उन्होंने अभिनव मनोहर के साथ मिलकर गुजरात को 43 रनों तक पहुंचा दिया। वह फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसा लगा कि गुजरात की पारी पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों यह तो केवल एक गलतफहमी थी। 9वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक नई चाल चली। उन्होंने पार्ट टाइमर ट्रिस्टन स्टब्स को बुलाया और यहीं से गुजरात की किस्मत पलट गई। जी हाँ, इस जादुई गेंदबाज ने तीसरी गेंद पर मनोहर को अपने जाल में फंसा लिया और गेंद इतनी ज्यादा स्पिन हुई कि बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया। ऋषभ पंत ने बिजली की रफ्तार से उनके विकेट उखाड़ कर स्टंप दिया और इन्हीं के साथ अभिनव मनोहर को 14 गेंद पर 8 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। गुजरात के 5 बल्लेबाज वापस लौट गए और इतना ही काफी नहीं था। 5वीं गेंद पर स्टब्स ने बल्लेबाजी करने आए इंपैक्ट प्लेयर शाहरुख खान का भी शिकार कर गुजरात की कमर तोड़ दी। लगातार गिरे 2 विकेटों ने दिल्ली की जीत को इस मैच में सुनिश्चित कर दिया था और भले ही उनके बाद बल्लेबाजी करने राशिद खान ने खाते से अपना खाता खोला, बावजूद उसके गुजरात 9 ओवर में केवल 54 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। उनके लिए तो यहां से 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। 10वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ राजिद ने एक और चौका लगाया और तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर में कछुए की रफ्तार से गुजरात ने 61 रन बनाकर 6 बल्लेबाज खोए थे। दिल्ली की जीत तो मानो अभी से सुनिश्चित हो चुकी थी। वहीं गरीबी में आटा गीला। 12वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने राहुल तेवतिया भी घुटने टेक कर बैठे और गुजरात की आखिरी उम्मीद भी इसी के साथ वापस लौट आई, जहां तेवतिया 15 गेंद पर 10 रन बनाकर वापस लौटे और उनके आउट होने के बाद मोहित शर्मा ने राशिद खान के साथ मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। हालांकि उनके लिए रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। 14वें ओवर में गुजरात ने 75 रन बना लिए तो उनके 7 बल्लेबाज वापस लौट ही चुके थे। तो 15वें ओवर में मोहित शर्मा को भी खलील अहमद ने वापस भेजकर 78 रनों के स्कोर पर गुजरात के 8 बल्लेबाज समेट दिए, जहां मोहित 14 गेंद पर 2 रन बनाकर वापस लौट गए। हालांकि दूसरी तरफ राशिद खान लोन वॉरियर की तरह मौजूद थे, जिन्होंने कुलदीप यादव को एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन मुकेश कुमार ने आते ही उन्हें भी वापस भेजकर गुजरात का काम तमाम कर दिया, जहां राशिद खान 24 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत बहुमूल्य 31 रन बनाकर वापस लौट गए। और इसी ओवर में नूर अहमद को क्लीन बोल्ड कर मुकेश कुमार ने गुजरात की पारी को 89 रनों पर ही समाप्त कर दिया, जहां दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की और अब दिल्ली के सामने 90 रनों का एक आसान सा लक्ष्य था, जिसका जल्द से जल्द पीछा करने के इरादे से पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेशर्स मैंगर को मैदान में भेजा गया और पहले ओवर में इस खतरनाक बल्लेबाज ने दिखा दिया कि वह क्या करने के काबिल है। दूसरी गेंद पर
प्रेशर में गर्क ने संदीप वारियर का स्वागत गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का ठोककर किया। तो चौथी गेंद पर एक और इसी अंदाज में मैदान को चीरते हुए एक करारा चौका लगाकर उन्होंने पहले ओवर में 14 रन बटोर डाले। गुजरात के फैंस तो अभी से आंसू बहाने लगे और ये बल्लेबाज तो सर पर कफन बांध कर आया था। दूसरा ओवर लेकर आए स्पिनर जॉनसन का स्वागत भी मैगक ने इस बार अपने खतरनाक शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया। उनकी घातक गेंदबाजी ने हर किसी को छुड़ा दिया। तो पांचवी गेंद पर एक बार फिर उन्होंने खतरनाक चौका लगा दिया और ऐसा लगा कि यह तो केवल 5 ओवर के भीतर ही मैच को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर वह गेंदबाज के जाल में फंस गए और उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपका और आखिरकार गुजरात को अपनी पहली सफलता दिल गई। यहाँ यह बल्लेबाज 10 गेंद पर 2 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटा और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पवेलियन को भेजा गया। दूसरी तरफ पृथ्वी ने रनों की रफ्तार में कमी बिल्कुल नहीं होने दी। अगले ओवर में संदीप वारियर की पहली गेंद पर मिले जीवन दान मिलने के बाद दूसरी गेंद पर पृथ्वी ने रिटर्न करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी तो मैच में असली टेस्ट बाकी था। चौथी गेंद पर पृथ्वी भी गलती कर बैठे। उनका आसान सा कैच स्पेंसर जॉनसन ने लपका और इसी के साथ दिल्ली के दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस लौट गए, जहां पृथ्वी भी केवल 7 रन बनाए और 3 ओवर में दिल्ली ने 31 रन बना दिए। 2 बल्लेबाज को दिए और मैदान पर साई होप अभिषेक का निवास निभाने के लिए आए थे। हालांकि गुजरात की गेंदबाजों ने अच्छी लड़ाई लगी, लेकिन इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाना उनके बस की बात नहीं थी और आसानी से दिल्ली ने इस मैच को अपने नाम किया और एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली और गुजरात में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।